मेरे होंठ छीनने के लिए क्यों कह रहे हैं? इस बदजुबान बदलिहाज औरत को चुप क्यों नहीं करवाते आप? कशान भाई ने आज तक हमें ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था, बल्कि वो तो हमारी छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डालते थे, लेकिन आज तो उन्होंने अपनी हद ही क्रॉस कर दी। कि किस तरह तुमने मेरी जिंदगी को और मुझको बर्बाद किया। तुम इस घर में बेकार बैठे हो और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। और इम्तिहान मत ले, मैं टूट गई हूं। क्यों किया आपने ये? मैं बेटी की मोहब्बत में सब्र की आखिरी हद तक जाना चाहती थी कि शायद वो समझ जाए। उसने तो मेरी सोच से भी ज्यादा बर्बादी फैलाई। आप मुझे बता देती थी नौबत ना आती हमारे घर का शिराजा यूं ना बिगड़ता। हम मिलकर उसे समझाते और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते। नहीं होते कामयाब, क्योंकि उसकी आंखों पर तो इंतकाम की पट्टी बंधी हुई थी। वो हर जज्बे से आ रही थी। फायजा, अपनों की नफरत और एहसास के दरमियान एक बारीक सी डोर बंधी होती है जो जरा सी मोहब्बत की चोट से टूट जाती है। अगर आप उसकी नफरत का जवाब मोहब्बत से देती रहती तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आपने उसे ऐसा करने का मौका दिया। बहरहाल जो होना तो हो चुका है, अब ये सोचना है कि आगे क्या करें। संभालो खुद को। ट्राई कर रहा हूं ना सुनने की तुमने कसम खाई है। अब एक दफा ऑफिस तो आ जाओ यार, स्टाफ की मीटिंग है और हमें जो नया काम मिला उसके बारे में डिस्कस करना है। यार तुम खुद ही डील कर लो यार, या फिर पेंडिंग में डाल दो। यार बादशाह आदमी, एक दफा आ तो जा ऑफिस। सलमान प्लीज तुम खुद ही चेक कर लो यार। कशान खैरियत तो है? क्या हुआ? बड़ा बेजार सा लग रहा है यार। नहीं तो क्यों? यार बात यह है कि मैं जो भी कहता हूँ आगे से तुम कह देते हो कि तुम खुद देख लो। आखिर सवाल यह है कि तुम घर पे क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं यार। फिर एक दफा क्लोजिंग से पहले पहले ऑफिस आ जाओ। सलमान फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, घर में कोई प्रॉब्लम होगी है, शायद मैं कल भी ना आ सकूं। काशान क्या बात है, तुम्हारी आवाज से तुम परेशान लग रहे हो मुझे। आखिर मामला क्या है?
कुछ नहीं यार, तुम्हें वैसे ही लग रहा है। और वैसे भी हो क्या सकता है, कुछ भी तो नहीं है। मेरी बात को तुम्हारे लहजे ने प्रूव कर दिया है। जरूर कोई ना कोई घर पे मसला है, तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे हो। जो हो रहा था शायद वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। कशान आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही यार। कुछ नहीं सलमान। नहीं यार, आखिर कुछ तो हुआ है। कशान यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे डिस्कस कर लो यार, बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है। मैंने परीक्षा को घर से निकाल दिया। What? परीक्षा को घर से? वो शायद घर से नहीं बल्कि मेरी जिंदगी से भी निकल गई। उसे जहां जाना चाहे। कोई है जो इस पाउडर जैसी धुलाई दे? कर ले मुकाबला एक्सप्रेस पावर। तो फिर लगाते हैं इंक, चॉकलेट और निहारी के दाग। केचप भी, मेरी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं? दोनों की सफाई में कोई भी फर्क नहीं। कीमत क्या बताई थी आपने? सिर्फ 220 रुपए। मेरा एक्सप्रेस पावर 65 रुपए सस्ता। आज से बस एक्सप्रेस पावर। एक्सप्रेस पावर ने महंगे पाउडर जैसी धुलाई 65 रुपए की बचत के साथ। तो होता ही रहता है, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? मिनाइल जो मेरी कैफियत है ना, शायद मैं इसको कभी महसूस ना कर सकूं। मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं दुखी हूं या परेशान हूं। हाल इतना जरूर पता है कि अंदर से बुरी तरह से टूट चुका हूं। अब दम घुटता है मेरा यहां पे, इस घर में नहीं, इस शहर में, इस मुल्क में, बल्कि इस दुनिया में। मेरे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। मेरा दिल करता है कि जहां से कहीं बहुत दूर चला जाऊं, जहां जहां हमारे माजी का हमसे कोई ताल्लुक ही ना हो। ऐसा है तो ठीक है, फिर चलो लंदन जाकर सेटल हो जाते हैं। अरे क्या उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू हो गई। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हालात से भाग के बुजुर्गों की तरह कहीं और चले जाए। मेरा मकसद भी तुम्हें फरार होने की तरगीब देना नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए कहीं और जाकर सेटल हो जाते हैं, शायद थोड़ा रिलीफ मिले और हमें इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नजर आ जाए। वापसी का सफर तारदन की वापसी से कम नहीं था। मुझे तो अब भी वो ड्रोना ख्वाब लगता है। हालांकि तुम मेरे साथ थी और मैं काफी लाइट रोमांटिक मूड में था। अच्छा, तो यही इरादे थे। लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से जो सिचुएशन सामने आई उसने काफी डरा दिया था। What a great new mask. मेरे सामने यूं ही झूठी बहादुरी दिखा रहे थे। मुझे इस बात का खौफ था अगर हम वक्त पर वापस ना लौटे तो तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे और काफी तुम्हारे लिए मसले मसाइल हो जाएंगे और हमारे मुस्तकबिल के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मुस्तकबिल के ख्वाब? मैं अपने बंधन को किसी मजबूत रिश्ते में बदलने की सोच रखता हूँ। मेरा मतलब है इस रिलेशन को आगे जाकर किसी खुशगवार मोड़ में ढालना चाहिए। साथ ही हो गए ना टिपिकल। शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस इट यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। ये क्या लॉजिक हुई? मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है मेरा प्रपोज करना तुम्हें बुरा नहीं लगा। बड़ी खुशफहमी है। गलत फहमी भी नहीं है। और हम जब तक स्टडीज कंप्लीट नहीं हो जाती इस एडवेंचर के लिए सॉरी। एक तरफ फैमिली ड्रामा है, दूसरी तरफ मेरी स्टडीज। मामा बाबा नहीं मानेंगे और जब तक रमल और कुमैल भाई वापस घर नहीं आ जाते शायद कशान भाई को भी ये बात बुरी लगे। कोई सूरत तो ऐसी निकल सकती है, इनकार की गुंजाइश ना रहे। बाकी मामले स्टडीज कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं। अच्छा, मैं प्रीशे भाभी से बात करूंगी, वो मम्मा से बात कर सकती हैं। That's great.
अच्छा अब चलें, काफी देर हो रही है। चलो। आंटी अमन ने हद कर दिया, वो किसी का लिहाज ही नहीं करती कि किसके सामने क्या बात करनी है। वो तो हमेशा से ऐसी थी, लेकिन अब मैं उनके रवैये से तंग आ चुका हूँ। आखिर कब तक बर्दाश्त करूं? तो ठीक है ना यार, तू हुरैन को लेकर यहाँ हमारे पास आ जा। यार मैं ये कुछ करता रहूं, कभी हुरैन को लेकर कहीं चला जाता हूँ, कभी हुरैन को लेकर कहीं चला जाता हूँ, यार ये जिंदगी तो नहीं है ना। तो फिर तूने क्या सोचा? मैंने फैसला कर लिया, मैं घर वापस जाऊंगा। क्या? हाँ यार, मुझे अंदाजा हो गया कि अब अपनी फैमिली के बगैर हम कुछ भी नहीं। अरे कुमैल तू पागल हो गया क्या? बहुत बड़ी गलती करेगा तू। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे मामा बाबा के पास। इम्पॉसिबल, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं हो सकता यार? देख यार, मैं उस घर में नहीं जा सकता जहां पे परीक्षा रहती है, और वैसे भी हमने फैसला किया है कि हम लोग लंदन सेटल हो रहे हैं। आर यू मैड? तू अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जाने की बात कर रहा है? हाँ। तू कहीं नहीं जा रहा रमल? यार हमारी रूट्स हमारे अपनों में, अगर अपनी रूट से अलग होंगे तो मुरझा जाएंगे। इस तरह दूर होके ना तू खुश रह सकता ना मामा और पापा। देख यार कुमैल, मैं भी उस घर में वापस जाना चाहता हूँ, उनके बगैर मैं भी अनकंफर्टेबल। लेकिन परीक्षा, उसका क्या? यार उसको भी देख लेंगे, एक बार वापस तो चले अपनों के पास। ठीक है, थैंक्स यार।